अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स में। मैं हूँ रिजवान अली और आज हम आए हैं वापस से मोनू भाई के पास। उनका बहुत ही शानदार बकरा जो उनका नाम किया है वो बकरे देखेंगे हम और मोनू भाई से बात करेंगे कुछ इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई ये वीडियो में आप क्या दिखाना चाह रहे हो? ये वीडियो में अपना सबसे चहेता बकरा है बुलेट राजा, वो दिखाना है। तो भाई ये बकरी थोड़ा सा हिस्ट्री मेरे को मालूम करना है कि ये आप कहाँ से परचेस करें? ये दरअसल मैंने पूना से परचेस किया था। अच्छा, मापले गोट फार्म। मापले गोट फार्म से? हाँ, वहाँ से मैंने लगभग इसको 60-65 किलो के आसपास लिया था। 60-65 किलो। तो आपने ये बकरे में क्या ऐसी खासियत देखी कि आपको ये बकरा मतलब लगा के लेना चाहिए? बकरे में कैसा, इसका फ्रेम अच्छा था। हाँ। और इसके पैर वगैरह बहुत मोटे थे और बकरे में दिखा अपने को, समझ में आया कि बकरा बनेगा आगे चल के, तो अपन ने ले ली। तो आप बताना चाहोगे व्यूअर्स को कि एक बकरे को लेने के लिए उसके अंदर क्या खासियत होना चाहिए? पहली बात तो बकरा जो कॉमन है अभी डबल हड्डी का रहना चाहिए। बराबर। और दूसरी बात पैर वगैरह भी, और तीसरा मेन बकरे की लेंथ होना चाहिए। बकरे की लेंथ अगर अच्छी होगी तो बकरे में जगह बहुत रहती है। जगह बहुत रहती है। तो माशाल्लाह इसकी हाइट और चौड़ान तो चीज़ है, मैं तो देख ही रहा हूँ माशाल्लाह। पैर से लेकर हाइट वगैरह, इसके पैर वगैरह देख लीजिए आप कि इसके पैर की साइज़ क्या है। माशाल्लाह आगे का पैर और पीछे का पैर, और इसकी साइज़ जो है वो साइज़ देखिए आप कि ये क्या साइज़ का बकरा है। वीडियो में पता नहीं सही से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइव ये बकरे को तो मैं समझता हूँ लाइव आके देखो कि ये बकरा क्या चीज़ है माशाल्लाह। मनु भाई ये कब से रखे हो आप? ये लगभग हो गया मेरा 2 साल के ऊपर हो रहा है। 2 साल के ऊपर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर ये आप बेचने के लिए निकाले थे? नेक्स्ट ईयर बेचने के लिए मैंने निकाला था ये बकरे को, लेकिन इसके पैर में ना प्रॉब्लम होने की वजह से बकरा मैंने सेल ही नहीं किया। सेल ही नहीं किया? नहीं, बिल्कुल रख लिया आप? वो मैंने रख लिया क्योंकि बकरा कोई भी इतना पैसा लगा के लेगा, नंगड़ा बकरा तो नहीं लेगा। बराबर। दूसरी बात उसके पैर में ज़्यादा तकलीफ हो गई थी इसके वजह से। और अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल कोई भी नहीं है। वो बकरीद के बाद ही फ़ौरन बाद ही वो उसका ट्रीटमेंट हम लोग ने किए, फिर इंशाल्लाह उसका ख़त्म हो गई वो चीज़। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, डबल हड्डी बोलते किसको है? कि लोग, मैं अक्सर देखा हूँ, मैं कहीं सुना था कि डबल हड्डी वो शायद, मेरे तो समझ में नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है डबल हड्डी की। डबल हड्डी एक्चुअली में होता क्या है? डबल हड्डी एक्चुअली में होता क्या मालूम है कि ये बकरी की जो काटी होती है ना। हाँ। ये जो चौड़ान हो गई। हाँ। ये चौड़ी साइज। हाँ। और कुछ बकरे में देखना ये चीज़ पतली होती है। बराबर। सीना वगैरह। हाँ, सीना वगैरह पतला होता है और वो चीज़ समझ में आती है कि पतली हड्डी का कि डबल हड्डी का। तो आपको लगा था ये बकरा इतना नाम करेगा आपका, या ऐसा लगा था? नहीं लगा था ये नाम करेगा, पर किस्मत किस्मत की बात होती है। अल्लाह भी जरिए से नाम करता है। जरिए से नाम करता है। बड़ा बेशक, उसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और ये बकरा ऐसा बनेगा आपको लगा था? उम्मीद थी लेकिन इतना बनेगा ये उम्मीद नहीं थी, बाकी कोशिश करना तो अपना काम है। बराबर। लेकिन एक बार बकरा देख लीजिए आप पूरे साइज़ में, माशाल्लाह के ये बकरे का फ्रेम बहुत चौड़े, बहुत ज़्यादा चौड़े फ्रेम का बकरा है। बकरे का जो आगे का हिस्सा है वही पीछे का हिस्सा आप देखो, बल्कि आगे का सीना जो है वो ज़्यादा चौड़ा है। ये बकरों की खासियत होती है कि जितना सीना ज़्यादा चौड़ा होगा वो उसके अंदर उतनी जगह बनेगी। बहुत से बकरे होते हैं जिनके बस आगे हल्का सा सीना होता है, वो उनमें इतनी पतले होते हैं, वो उनमें इतनी जगह नहीं होती। और पैर की पोजीशन वगैरह भी मैं दिखा देता हूँ एक बार कि पैर की पोजीशन वगैरह देखो, इसका रखने का स्टाइल माशाल्लाह कहीं से कैची नहीं है, एकदम परफेक्ट बकरा है। क्वालिटी, कान की साइज़ वगैरह देखिए आप इसकी झलर। तो मोनू भाई अभी ये साल ये है कि सेल आउट हो गया है? ये सेल हो चुका है। अच्छा, ये सेल हो चुका है। किसको दिया आपने? ये भिवंडी का ही है, हमारे अफसर भाई है, उनको वो बकरा ले चुके हैं। अच्छा, तो ये अभी भराई पे कैसे क्या है? ये सेमी भराई पे, सेमी बकरा पहले भी सेमी भराई पे था, अभी भी सेमी भराई पे। और ये मुँह से खाता है दिन भर और रात में हम लोग को इसको भरना पड़ता है। भरना पड़ता है। अगर इसको पूरा फुल टाइम भराई पे लेंगे तो बकरा बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। तो ये हजम कर लेता है? मेरा पूछने मतलब ये डाइट, हाजमा जो है बहुत अच्छा, हाजमा बहुत अच्छा है। तो इसको आपको तो फुल भराई पे लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फुल भराई पे ले लोगे तो माशाल्लाह ये चीज़ देखने और उड़ जाएगी मतलब। नहीं ये तो बिल्कुल, वो तो है ही, लेकिन कहने का मतलब कैसा है, अभी फिलहाल गर्मी भी ज़्यादा है, वो हिसाब से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक साथ बकरे को तो नहीं भराई कर सकते ना ज़्यादा। बराबर। तो अभी सेमी भराई में इसको आप क्या डाइट दे रहे हो अभी फ़िलहाल? इसका सुबह का जो डाइट है, जो मक्का गेहूँ खाते हैं लोग,
अच्छा मुंह से खाने के। अच्छा और फिर दोपहर के टाइम हरी पत्ती है, रात के टाइम इसका हम लोग जो गेहूँ मक्का और उड़द ये हम लोग भिगा के रखते हैं। अच्छा उसके अंदर चना चुनी डाल के हम लोग उसको भराई करते हैं। चना चुनी डाल के भराई करते। तो मोनू भाई इससे आप ब्रीडिंग वगैरह भी लिए हो? नहीं ब्रीडिंग तो अपन बहुत लिए, इसके लगभग काफ़ी बच्चे हैं। हाँ। कुछ रखे अपन ने, कुछ अपन ने पहले भी सेल किए थे इसका नाम करने से पहले ही, जब बकरा अच्छा। यूट्यूब पे आया नहीं था। हाँ। तो और एक बकरा काफ़ी बड़ा भी हुआ है, एक दोस्त को मैंने दिया था। हाँ। तो इंशाल्लाह वो भी अपन वीडियो में डालेंगे सेल के लिए बकरा। अच्छा इंशाल्लाह उसको डालेंगे अगली वीडियो। ओके तो इसके बच्चों, इसके नाम होने के बाद इसके बच्चों का डिमांड कैसा रहा, इसके कोई बच्चे इसके टक्कर के निकले? है काफ़ी बच्चे, एक बच्चा तो है जो अपन अभी लॉन्च करेंगे ना, वो बच्चा इसके ही टक्कर का है इंशाल्लाह, अगले साल वो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। उम्मीद है कि बुलेट जैसा, बुलेट राजा जैसा नाम करेगा इंशाल्लाह। कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी तो वो आपको सेल के लिए निकाले हो? अभी फिलहाल सेल के लिए। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाएंगे। एक बार बुलेट राजा को छोड़ दो तो हम देखते हैं उसको अच्छे से। चलो बेटा गाइस बकरा देखिए आप, और मेरे चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलो अस्सलाम वालेकुम।